अभी सातवीं सुरंग आ गई है, खाने का टाइम हो गया है, भिंडी खाएंगे। टोटल जो है वो 3 लोकोमोटिव जो है इसको यहाँ से हॉल करेंगे। ये आपको कोल नजर आ रहा है यहाँ पे पड़ा हुआ, धुआं निकल रहा है इसमें से, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन, गोलान पास, कौलपुर रेलवे स्टेशन। बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो गया है, टॉप पे आ रहे हैं हम, ऐसा ऐसा शटर्स हैं वो बंद करवा देते हैं, उसकी वजह ये है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो पत्थर मारते हैं ट्रेन पर। सिब्बी जंक्शन से जो है वो पार्ट 3 जो है उसका आगाज़ हो गया है और GE20 ट्रेन को छोड़ के निकल गया है। अभी वेस्टर्न साइड पे लगा हुआ था हमारी ट्रेन का ये लोकोमोटिव, और सिब्बी से ट्रेन जो है अभी वो फिर वापसी की तरफ जो है अपना सफ़र स्टार्ट किए करेगी, और जो लोकोमोटिव है वो अब बैक साइड पे, बैक एंड पे आगे लगेगा। वो जाके देखते हैं वो कौन सा लोकोमोटिव लगेगा। GE20 जो है जो लाहौर से अटैच हुआ था वो उतर गया, तो यहाँ से हम जो पार्ट 3 है कोयटा तक उसकी फिल्मिंग करेंगे और वो पार्ट आप देखेंगे सारा। RG 25 111 रेडी हो रहा है, और पीछे आपको GE20 जो लाहौर से हॉल करके लेके आया है 40 डाउन को, वो अनकपल हो रहा है, और RG20 जो है वो कपल हो रहा है, और ये हमारी ट्रेन खड़ी हुई है जिसके साथ इसने अटैच होना है अभी, और हम खड़े हुए हैं सिब्बी जंक्शन के ऊपर। तो पार्ट 3 और लास्ट जो है रावलपिंडी से कोयटा तक का वो इंशाल्लाह अब स्टार्ट हो रहा है, और आगे का जो आने वाला जर्नी है और जो लोकेशंस हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली हैं। बोलान पास के अंदर हमारा जो ट्रैवल है वो जारी होगा इंशाल्लाह, तो वीडियो आपने पूरी देखनी है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अब ये लूप लाइन से जो है वो आ रहा है मेन लाइन पर और आके अटैच होगा इसको, और कोयटा तक जो है वो हॉल करेगा ये। इसके अलावा हेल्पर इंजन भी लगेगा, तो वो भी मैं आपको एक्टिविटी जो है वो दिखाऊंगा। ये लगेज वैन के साथ RG 25 111 जो है अप्रोच कर रहा है सिब्बी जंक्शन पे, और कपल होने के लिए आ रहा है 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस, और GE20 आपको सामने नज़र आ रहा है वो अभी अनकपल हुआ है, पहले भी मैंने आपको दिखाया था। और जो 6 डब्बे लाहौर से अटैच हुए थे वो सिब्बी जंक्शन के ऊपर उतर गए हैं, वो यहाँ तक आते हैं, तो कोयटा जो है सेम वही ट्रेन जाएगी जो पिशावर से रावलपिंडी और लाहौर तक आई थी। अभी हमारी ट्रेन का जो डायरेक्शन है उसकी वो दोबारा ईस्टर्न साइड की तरफ हो गई है, जिस तरफ से हम आए थे इसी साइड से हम आए थे, और वापस भी इधर ही जाएंगे, और थोड़ा सा आगे जाके डाइवर्जन है जो राइट टर्न कर जाएंगे हम कोयटा की तरफ। अभी एयर पाइप जो है वो अटैच हो रहा है, और साथ ही ब्रेक प्रेशर जो है वो बनना स्टार्ट होगा, वाल्व खोल दिया, आयरन हॉर्स RG 20 रेडी टू रोल। अभी सिब्बी जंक्शन पे जो है वो खाने का टाइम हो गया है, भिंडी खाएंगे और साथ हम खाएंगे दाल। दाल का क्या चीज़ का बाबू? दाल 50 रुपये मेरा भाई। 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस जो है वो सिब्बी जंक्शन से कोयटा के लिए डिपार्ट हो रही है, और सामने फ्रेम में आपको 39 आप नज़र आ रही है GE20 के साथ 4556 पिशावर के लिए रेडी है सिब्बी जंक्शन पर। तो यहाँ इन दोनों ट्रेन्स का क्रॉस हुआ है आपस में, और हमारी ट्रेन जो है वो
वापसी उसी ट्रैक पे वापस जा रही है जिससे हम आए थे, और थोड़ा आगे जाके ये राइट टर्न लेगी और कोयटा की तरफ डाइवर्ट हो जाएगी और सीधा ट्रैक दोबारा सक्खर और रोड़ी चला जाएगा। ये भी आपको कोयटा की तरफ जो है वो, उससे पहले किसी भाई ने जो है बोतल वो नीचे फेंक दी है, इंतहा गलत काम है। चलती ट्रेन से आप कचरा फेंक रहे हैं नीचे, यार खुदा का खौफ करें। तो गाइस ट्रेन हमारी कोयटा की तरफ डाइवर्ट हो गई है, एक और भाई ने फेंक दी है, तो इंतहाई जो है अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं। ये भी हमारा ट्रैक जो है चेंज हो गया यहाँ से। अच्छा डाइवर्जन क्यों लिया है और ये रिवर्स ट्रेन हमारी क्यों आई है, उसकी रीज़न मैं आपको बता दूँ कि जब अंग्रेज ने अर्ली स्टेजेस में यहाँ से लाइन बिछाना शुरू की और सिपी से आके वो हरनाई की तरफ गया कोयटा के जाने के लिए, तो हरनाई कोयटा सेक्शन के ऊपर छप्पर रिफ्ट जो है वो एक काम है, एक प्लेस है, वहाँ अंग्रेज को जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आई और वो उनके बनाए हुए ब्रिजेज जो हैं वो सैलाबी पानी से टूट जाते थे, इस वजह से अंग्रेज़ ने वहाँ से उस एरिया से कोयटा पहुँचने की जो अपनी ज़िद थी वो उसको ख़त्म करना पड़ी, और वो जो कुदरती आफात है उसके सामने ना ठहर सका। उसके बाद फिर उन्होंने ये बोलान पास वाला जो दूसरा रूट था ये अपनाया, इसलिए सिपी आके ट्रेन रुक जाती है और फिर रिवर्स होती है, उसकी रीज़न ये है। अभी मिशकाफ रेलवे स्टेशन से पास हुए हैं और बोलान पास जो है उसके अंदर हम एंटर हो रहे हैं। अभी आपको माउंटेन नज़र आ रही हैं, RG 25111 जो है जोर लगाना उसने अपना स्टार्ट किया हुआ है और स्मोक हल्का हल्का नज़र आ रहा है उसका स्काई के ऊपर। इस बार आप जो है हमारे फ्रेम में इंतहाई डिफरेंट जो टेरेन है वो देख रहे हैं, बलूचिस्तान की जो टेरेन है बहुत मुख्तलिफ है पाकिस्तान के बाकी सूबों से और बहुत ही खूबसूरत है। अभी आप ये काफ़ी बंजर किस्म का एक ब्राउन कलर का जो पहाड़ है फ्रेम में देख रहे हैं, और जाफर एक्सप्रेस जो है वो एंटर हो चुकी है माउंटेंस के अंदर। जाते हुए सुरंग आ रही है अभी, और ये वो मशहूर जगह जिसकी आपने पिक्चर्स भी देखी होंगी।
11 सुरंगें गुजर चुकी हैं अभी तक। पेशी स्टेशन के ऊपर आके स्टॉप किया है 40 टाउन जाफर एक्सप्रेस। डिपार्टिंग फ्रॉम पेशी रेलवे स्टेशन, रोड़ी से 293 किलोमीटर के फासले पर मौजूद पेशी स्टेशन। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन बोलान पास। गुम रेलवे स्टेशन पे पहुंच गई है हमारी ट्रेन 40 टाउन जाफर एक्सप्रेस। सामने एक एक्सीडेंटल पैसेंजर कोच नज़र आ रही है। टैंकर इंजन जो है वो आ रहा है। RG20 की अटैचमेंट जो है अभी आपको दिखाते हैं। आबे गुम पे खड़ी हुई है 40 टाउन जाफर एक्सप्रेस। RG 25 111 जो है उसको लीड कर रहा है और आबे गुम से जो है वो एक हेल्पर इंजन, आप सो कह लें बैंकर या पुशर, पुश पुल के ऊपर यहाँ से आगे का जो सफ़र है वो जारी होगा, क्योंकि यहाँ से जो अप ग्रेडियंट है वो काफ़ी स्टीप जो है वो स्टार्ट होने लगा है।
5117 आयरन हॉर्स RG20। एक पुशर इंजन जो है RG20 5117 जो अटैच हो गया हमारी ट्रेन के साथ, और एक फ्रंट पे लीड कर रहा है 5111, और थर्ड इंजन जो है वो अप फ्रंट जो है वो आके इसको लगेगा, यानी कि उसका जो फेस है उसका जो फ्रंट है वो सामने की तरफ है। तो एक फ्रंट वाला पुल पे है, ये पुश पे लगा हुआ है, और ये फिर दोबारा पुल पे लगा हुआ है। तो टोटल जो है वो 3 लोकोमोटिव जो हैं इसको यहाँ से हॉल करेंगे अप ग्रेडियंट सेक्शन के ऊपर आबे गोम रेलवे स्टेशन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर, खैरियत से? मैं जर्नी कैसा रहा? जर्नी ठीक है, मैं रावलपिंडी से देख रहा हूँ, आप कोई रेल फैन लग रहे हैं मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली यही है, रेल फैन है आप। मैं तकरीबन 35 साल बाद आया हूँ इस स्टेशन आबे गोम पे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो कैसा लगा आपको ये ट्रैवल? बिल्कुल अच्छा लगा है। तो लेट है, 4 घंटे, चलो पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? कोटा जा रहे हैं, फिर चमन कोटा के बाद। क्या नाम है सर आपका? नाम नहीं, सुहेल। अमजद सुहेल साहब। अमजद सुहेल है, और जॉब करता हूँ गुलाम शाह खान इंस्टीट्यूट सवाबी में। चले सर, इंशाल्लाह सफर जारी रखते हैं अपना। कोटा डिवीजन के आयरन हॉर्सेस अटैच हो गए 40 डाउन के साथ। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है जर्नी, उम्मीद है मेरी सीट तक इन दो आयरन हॉर्सेस की जो साउंड है वो सुनाई दे रही होगी। अभी चलते हैं अपने डब्बे की तरफ, इससे पहले कि ट्रेन जो है वो बगैर विसल के निकल पड़े। क्या साउंड है यार कंप्रेसर का। कठई तीनों इंजन जो हैं वो विसलिंग कर रहे हैं, बच्चे भी चढ़ जाएंगे उम्मीद है, पानी लेने गए थे। आबे गुम से डिपार्ट कर रही है 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस विद 3 लोकोमोटिव्स, एक और बोतल नीचे, वन मोर बोतल डाउन। अब उम्मीद है आपको इंजन का साउंड सुनाई देगा। लोकोमोटिव आगे और फिर उसके बाद उसके डब्बे और फिर ये 2 लोकोमोटिव पीछे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आबे गोम से निकलने के बाद। ये आपको स्टॉपर लाइन नज़र आ रही है जो ट्रेन कोयटा से आती है नीचे की तरफ आबे गोम की तरफ, अगर वो ओवरशूट कर जाए तो वो इस लाइन के ऊपर उसको भेजते हैं। मच सिटी में एंटर हो रही है ट्रेन,
आबे गुम से जो है वो ड्यूल ट्रैक स्टार्ट हुआ है, हमारे साथ साथ चल रहा है, क्योंकि अब ग्रेडियंट सेक्शन है इस वजह से ट्रैक को जो है यहाँ पे ड्यूल रखा गया है। मच्छ रेलवे स्टेशन के ऊपर एंटर हो रही है और यहाँ का मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। सीपी में गर्मी थी पर अभी हम टॉप हिल आ चुके हैं, काफ़ी हाइट है यहाँ पे। अप ग्रेडियंट आने के बाद जो मच्छ का स्टेशन है वो सीपी की जानब से डाउन ग्रेडियंट पे बनता है, अभी नीचे उतर रही है ट्रेन। मच्छ रेलवे स्टेशन बुलान पास के ऊपर, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन, कोल माइंस भी हैं यहाँ पे। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि अप ग्रेडियंट आने के बाद टर्न है और टर्न के बाद डाउन ग्रेडियंट है मच सेक्शन, तो ट्रेन अपने ही जोर में आगे चली जाती है और जहाँ जाके वो रुकती है, ब्रेकिंग होती है, उसके बाद फिर इसको वापस प्लेटफॉर्म पे लाया जाता है। मेरे लेफ्ट साइड पे जो है वो प्लेटफार्म है, वो इस साइड से तो आपको नज़र नहीं आएगा, उस पे लाने के लिए ट्रेन को अब फिर दोबारा पीछे लेके जाया जा रहा है। ये देखें, ये कोल मैंने आपको बताया था माइंस हैं यहाँ पे, ये आपको कोल नज़र आ रहा है यहाँ पे पड़ा हुआ, धुआं निकल रहा है इसमें से। मच्छ रेलवे स्टेशन पे खड़े हुए हैं अभी हम, स्टॉप है यहाँ पे, पुश पुल के साथ चल रही है जाफर एक्सप्रेस 40 टाउन, दो लोकोमोटिव पीछे से और एक लोकोमोटिव आगे। स्टेशन से डिपार्ट करने लगी है ट्रेन, आपने देखा काफ़ी सख्त चेकिंग थी यहाँ पे, एक बार फिर डॉग स्निफिंग वगैरह के साथ चेकिंग की गई है पूरी ट्रेन की, और पुश पुल के साथ जाफर एक्सप्रेस डिपार्ट कर रही है कोयटा के लिए मच्छ रेलवे स्टेशन से।
सेक्शन में फौरी पिक पकड़ ली है, तीन लोकोमोटिव के साथ आयरन हॉर्सेस जो हैं वो हॉल कर रहे हैं पुश पुल के साथ RG20। स्टेशन से गुजर रहे हैं अभी हीरक स्टेशन पे आपका वो सामने जो है वो आपका जो स्टॉपर लाइन होती है वो नज़र आ रही है, जानम लाइन भी कहते हैं इसको। ये देख रहे हैं सामने ओवरशूट करने वाली जो ट्रेन हैं उसको इस लाइन पर डाला जाता है। ग्रेडियंट के बाद फौरन ही अप ग्रेडियंट और फिर साथ ही टर्न, काफ़ी मुश्किल टेरेन है रेलवे की अगर टर्मिनोलॉजी में देखा जाए तो। साइड से दो आयरन हॉर्सेस RG20 अपना पूरा जोर लगा रहे हैं।
कैस्केड 1894 कैस्केड टनल। विंडी कॉर्नर टनल 1894 15 नंबर विंडी कॉर्नर। स्टेशन पे अप्रोच कर रही है जाफर एक्सप्रेस। कौलपुर रेलवे स्टेशन बोल
गोलान पास पे हाईएस्ट लेवल के ऊपर ये स्टेशन है। धौलपुर रेलवे स्टेशन बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है गोलान पास के ऊपर। हर साल यहाँ पे स्नो फॉलिंग होती है, आप लोगों ने वीडियोस भी देखी होंगी। इस साल मैं भी वेट करता रहा, दो माह मैंने वेट किया, एक्सपेक्टेड थी मिड ऑफ फरवरी पर ना हो सकी, इसलिए मेरा जो पार्ट टू था रावलपिंडी से कोटा का वो लेट हो गया। आयरन हॉर्सेस जो हैं पुश और पुल के साथ लेके आ रहे थे हमें, वो अनकपल हो गए हैं धौलपुर के ऊपर। अब यहाँ से सिंगल लोकोमोटिव आगे हॉल करेगा कोटा तक। सत्रह सौ बानवे मीटर अबव सी लेवल और 343 किलोमीटर फ्रॉम रोड़ी धौलपुर स्टेशन। ML4 है स्पेजेंट से लेके तफ्तान बॉर्डर तक। हम अभी सफ़र कर रहे हैं ML3 के ऊपर और कोटा की तरफ जा रहे हैं। अच्छा कोटा जब भी पहुंचते हैं ट्रेन के ज़रिए तो कोटा की पहचान ये है कि जो ट्रेन का हमला है वो ट्रेन के जो मिरर्स हैं या जो उसके शटर्स हैं वो बंद करवा देते हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनका पसंदीदा मसला है कि वो पत्थर मारते हैं ट्रेन को, तो देखें उनकी ये कब आदत जो है वो ख़त्म होती है। मैं पहली दफ़ा 1990 में आया था चिल्तन एक्सप्रेस में बैठ के, तब भी बच्चों ने पत्थर मारे थे और आज भी ये जो है यहाँ पर बंद करा दिए शटर सारे। तो इसका मतलब है कि 2021 में भी बच्चों का जो ये मसला है वो जारी है।
अभी तक वैसे पत्थर लगा नहीं है कोई, पर एहतियाती तौर पे हमने जो है वो अपने शटर बंद कर दिए। अभी तक जो है वो दो पत्थर जो है हमारे वाली बोगी के ऊपर आगे लगे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि नुकसान कोई नहीं हुआ, बच्चों ने अपना मिशन जो है वो जारी रखा है। सिटी रेलवे स्टेशन बहुत ही करीब है रेलवे स्टेशन के सामने, आपको चिल्तन पहाड़ जो कोयटा की पहचान है वो नज़र आ रहा है। रेलवे स्टेशन पे एंटर हो रही है 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस, 3 घंटे लेट पहुंची है आज। मौसम बहुत अच्छा है कोटा का।